क्या तुमने कोमल को बुलाया था? नहीं साहिर, मैंने नहीं बुलाया, मुझे तो पता भी नहीं था। कोमल को कहो कि तैयार हो, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। मेरा फोन उठा ले। अब वो उस साहिल कोमल को अपने साथ ले गए, बिल्कुल अकेली है उनके साथ। शहरयार, शहरयार, वो कोमल को ले गए, वो बिल्कुल अकेली है उनके साथ, पता नहीं क्या करेंगे वो उसके साथ। प्लीज मेरी मदद करो। चल रिलैक्स, तुम बैठो, मैं तुम्हें पानी देता। मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, प्लीज यार। एक मिनट टीचर, मुझे आराम से बताओ हुआ क्या। हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन साहिर अचानक से अकेले निकल गए और कोमल को अपने साथ ले गए। बिल्कुल अकेली है उनके साथ। साहिर तो पहले इतना नाराज थे, अगर कोमल से कोई गलती होगी तो पता नहीं वो क्या करेंगे उसके साथ। अगर कोमल को कुछ हो गया तो अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी मैं? सब मेरी गलती है, मुझे उसे वापस भेज देना चाहिए था। चल रिलैक्स, डरो मत, कुछ नहीं होगा कोमल को। तुम एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाके मेरा वेट करो, मैं खुद जाकर देखता हूँ। ऑलराइट, एंड ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा कोमल को, ट्रस्ट मी। प्लीज उसे ढूंढ लो। आई विल। कोमल, उसे तो मैंने कॉल ही नहीं की, उससे बात करने की कोशिश करती हूँ। हेलो साहिर, कहाँ हैं आप? आप कोमल को कहाँ ले गए इस तरह? देखिए, आपने जो भी सजा देनी आप मुझे दे दें, लेकिन आप कोमल के साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? कहाँ ले गए आप उसे? देखे कुछ भी नहीं जानती, वो बेकसूर है। प्लीज साहिर। ईशर, मैं वादा करती हूँ, मैं उसको समझा दूंगी, वो आइंदा कभी हमारे घर नहीं आएगी, लेकिन आप इस तरह मत करें उसके साथ। मैं हूँ ना, मैं आपकी सारी सजाएं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम प्लीज कोमल के साथ ऐसा मत करें, मैं वादा करती हूँ आपसे। ईशर बेटा, मैं बात कर रही हूँ तुम्हारी अम्मी। अम्मी? हाँ बेटा, मैं हूँ। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या हुआ है कोमल को, बताओ मुझे। कोमल? हाँ। कोमल वो तो सो रही है। झूठ मत बोलो ईशर, मैं जानती हूँ वहां कुछ हुआ है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, वो तो बस ऐसे ही। तुम क्या समझती हो, मैं अपनी बेटी की आवाज में छुपा हुआ डर महसूस नहीं कर सकती? बताओ मुझे। अम्मी, साहिर बिल्कुल वैसे नहीं है जैसा आप लोगों ने समझते हैं। घर में कुछ और होते हैं,
दूसरे पल ही बदल जाते हैं, तो समझ में नहीं आता वो चाहते क्या है। हर पल इसी डर में जीती हूँ कि कहीं अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो फिर से एक जहरनाक सजा, ऐसी ऐसी बातों पर सजा देते कि मैं आपको क्या बताऊं। समझ में नहीं आता कि कज़िनी तवासन ठीक भी है या नहीं। बेटा तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? आपके कहने का क्या मतलब है? मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं पागल हो गई, मेरा दिमाग खराब हो गया? हाँ ठीक है, पागल हो गई हूँ मैं, मेरा दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन अभी बहुत हो गया, मुझे नहीं सहा जाता ये सब कुछ। मेरे पाँव में भी चोट लगी हुई है और जानती है कैसे लगी? कल उन्होंने मुझे कांच पर चलाया, जबरदस्ती। बस बेटा मैं तुम्हारे बाबा को लेके फौरन पहुंच रही हूँ, बस हिम्मत रखो, आ रही हूँ मैं। बस करो शमशा, कब से रोए जा रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तुम सोच रही हो। मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। साहिर पे नहीं? अबे साहिर को जाने हुए दिन ही कितने हुए हैं, और ईशल, ईशल को पैदा किया है मैंने, माँ हूँ उसकी। शमशा मैं ये नहीं कह रहा कि ईशल ने कुछ गलत कहा होगा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बात शायद कुछ और हो। सीमा आपको आपको अपने खून पर भरोसा नहीं है और उस अनजान आदमी पर? शमशा तुम तो नहीं, मुझे आप जवाब दे। मुझे अपनी आंखों देखे सच पर भरोसा है, और सच यही है कि साहिर ऐसा इंसान नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ईशल झूठ बोल रही है, यही कहना चाहते हैं ना आप? तुमने जो समझना है वो समझो, मुझे बहस नहीं करनी। हाँ, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते, आपकी आंखों पे तो साहिर नाम की पट्टी पड़ी हुई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। आप शहरयार के दोस्त फराज बात कर रहे हैं? वो दरअसल मुझे उनका नंबर चाहिए था, मुझसे गुम हो गया। मैं उनके कजिन की वाइफ बात कर रही हूँ, आप प्लीज उनका नंबर दे दें, अभी बहुत जरूरत है। हेलो हेलो शहरयार, ईशल बात कर रही हूँ, कोमल में कुछ पता चला? नहीं ईशल, मैंने बहुत कोशिश की यार, वो लोग अभी तक नहीं मिले। मैं बस थोड़ी देर में घर आता हूँ। एक मिनट, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो ये देखें आप ही, ये साहिर भाई की चॉइस से लिया, अच्छा है ना? वैसे अगर आप भी साथ चलती ना तो ज्यादा मजा आता, लेकिन कोई बात नहीं, आपको भी काम थे, इट्स ओके। इशर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सब खैरियत तो है ना? इज एवरीथिंग ऑल राइट? और दादी कहाँ है? वो नहीं आई? दादी तो घर पर है, शमशा को इशर की याद आ गई तो मिलने चले आए। क्या बात है इशर, अचानक सबको तुम्हारी याद आ रही आज, पूरे दिन हिचकियां लगी होंगी। आई होप हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा, पहले कोमल यहाँ पर आई हुई है। अगर आप लोग मुझे यहाँ लेने आए ना तो मैं पहले बता दूँ मैं कहीं नहीं जा रही। और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, और अपना घर है, जितनी देर मर्जी रहो। आपने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि बड़ी खुशी हुई है कि आप लोग आए। आप लोग के आने से यहाँ रौनक लग जाती है। आई वुड लाइक यू टू एक्सक्यूज मी, पूरे दिन मैं ऐसी हालत में फिर रहा हूँ, जरा चेंज करके आता हूँ। ईशल चाय का इंतजाम कर लेना।
एक्सक्यूज मी। बेटा क्या कहा तुमने अपनी माँ से? हाँ बेटा बोलो, तुम जो कहना है सच सच बता दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब और भी कुछ सच सुन रहे तुमने? अपनी नजरों से देखते रहे हो सब कुछ? आप बोलने देना ईशल को। बोलो बेटा, डरो मत। कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? तुम तो चुप करो कोमल। ईशल बोलो ना। कोमल, ईशल यार तुमने मुझे बेकार में डरा दिया था। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। ओह आई एम सॉरी, पसीने की वजह से शर्ट भीग गई मेरी। आप लोग बैठिए, मैं बस चेंज करके आता हूँ। प्लीज बी कंफर्टेबल। आप लोग प्लीज बैठे, मैं चाय लेकर आते हैं। अम्मी, क्या सोचा था तुमने? तुम्हारे पेरेंट्स मान जाएंगे? क्या कहा होगा तुमने? साहिर एक बुरा इंसान है, मुझे टॉर्चर करता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहा होगा तुमने। साहिर एक बहुत बुरा इंसान है, मुझे टॉर्चर करता है। साहिर, यू नॉट गुड एट दिस। साहिर एक बहुत बुरे इंसान है, वो मुझे टॉर्चर करते हैं। मुझे आके ले जाएं यहां से, वरना वो मुझे मार देंगे। साहिर प्लीज, प्लीज छोड़ो मुझे, दर्द हो। नहीं, मार दिया तो फिर मैं खुद कैसे जीऊंगा? अम्मी, मुझे ले जाइए यहां से प्लीज। अम्मी अम्मी, इस साइकोपैथ वो मुझे टॉर्चर करते हैं। प्लीज अम्मी, मुझे मुझे बाहर नहीं जाने देते, किसी से मिलने नहीं देते वो। प्लीज अम्मी, प्लीज साहिर। ऐसे ही कहा होगा ना? बोलना ईशा, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया वो सच है, लेकिन मानेगा कौन? तुम्हारे पेरेंट्स मानेंगे? ट्राई करते, चलो मेरे साथ, चलो। रुक क्यों गई हो? उठो। मुझे माफ कर दे, आई एम रियली सॉरी।
सॉरी से काम नहीं चलेगा। चलो तुम्हारे पेरेंट्स के पास चलते हैं, उनसे कुछ और बातें भी करते हैं। साहिर, साहिर प्लीज, साहिर मैं आपसे माफी मांग तो नहीं हूं ना साहिर, साहिर प्लीज। अम्मी आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मुझे कुछ नहीं सुनना कोमल। क्यों नहीं सुनना? जब मैं आपसे कह रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आप मान जाए ना। हम लोग सब साथ जा रहे थे कि अचानक ईशल आपी को कोई काम पड़ गया और वो रुक गई। That's it। मैं आपके सामने हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। वो सब ठीक है, लेकिन मेरी जब ईशल से फोन पर बात हुई है तो वो झूठ नहीं बोल रही थी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ अपनी बेटी को। उसके लहजे में सच्चाई और डर था। साहिर, शायद मुझसे कोई गलती हो गई। मैं ईशल से इतनी मोहब्बत करता हूं, किसके बगैर रह नहीं सकता। इसलिए मैंने इसे मैके नहीं आने दिया। शायद यही मेरी गलती थी। मैंने कभी ईशल से नहीं पूछा कि क्या ये भी मुझसे मोहब्बत करती है कि नहीं। इसे चंद दिन अपने पास रखें और इसे पूछे शायद मैं ही ईशल के काबिल हूं। साहिर एक मिनट प्लीज, प्लीज आई मस्ट गो। ईशल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ईशल बेटा, मैं तुम्हें ये समझाना चाह रही हूँ कि तुम साहिर को जिस सांचे में ढालना चाहोगी ना, वो ढल जाएगा। लेकिन अगर तुम ये नहीं कर सकती हो तो फिर तुम उसके सांचे में ढल जाओ, और इसी को मोहब्बत कहते हैं।